हेलो जी। तो आज हम बनाएंगे डोरेमोन ड्राइंग यस विद चिल्ड्रन पार्टी। तो जिसके लिए हम वाटर कलर का यूज़ करेंगे। तो हम आपको बता दें कि स्केचिंग हमने पहले की हुई है, तो बहुत ही इजी तरीके से आज हम अपना डोरेमोन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विद चिल्ड्रन पार्टी के साथ यस। तो पहले हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हेयर, तो इसके लिए हम डायरेक्ट कलर का यूज़ करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हमने इसमें पूरा राउंड ब्रश का यूज़ करके अपना डोरेमोन को पूरा कम्प्लीट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने सभी के हेयर कंप्लीट कर लेने हैं यस। तो जिसके लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। बट हमने जो हमारे सबसे पीछे वाला मोटू है तो उसके हेयर में हमने थोड़ा ब्राउन कलर का यूज़ किया हुआ है। तो हमारे हेयर हो चुके हैं कंप्लीट यस। अब हमने करने हैं फेस में कलर। तो हम फेस में येलो एंड वाइट को मिक्स करके हमने फेस में कलर करना है। एंड यही कलर हमने हैंड में करना है। के बाद हम यहाँ पर भी यही कलर यूज करने वाले हैं। तो इन तीनों का फेस हो चुका है कंप्लीट यस। अब हमने पीछे वाले के फेस में हम इसमें डायरेक्ट येलो कलर का यूज़ करेंगे। अब बना लेंगे हम आईज, तो जिसके लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने ब्राउन में थोड़ा ब्लैक कलर को भी मिक्स किया हुआ है। इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी आईज कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम थोड़ा आउटलाइन कर लेंगे, तो जिसके लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। तो आईज के अंदर की साइड हमने व्हाइट पोर्शन छोड़ना था, तो वो हम भूल गए, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम यहाँ पर दोबारा से व्हाइट कलर कर लेंगे। उसके बाद हमने पिंक कलर का यूज़ किया हुआ, जो कि हमने रेड में व्हाइट मिला के बनाया हुआ है। फिर हमने साइड में थोड़ा ब्राउन कलर का यूज़ किया हुआ। एंड नोज़ी के लिए हम करेंगे ब्राउन कलर का यूज़। एंड यहाँ पर बनाने वाले हम शर्ट यस, तो जिसके लिए हम पिंक कलर का यूज़ करेंगे। एंड स्कर्ट में हमने रेड में थोड़ा व्हाइट यूज़ किया हुआ है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम शूज़ में कलर करेंगे, जो कि हम येलो कलर यूज़ करेंगे। तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम बाद में आउटलाइन करने वाले हैं। यहाँ पर हमने येलो कलर का यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर भी येलो कलर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर भी हमने येलो कलर को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बनाने वाले हम डोरेमोन की आईज, तो जिसके लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। तो हम इन सभी के पहले आईज बना लेते हैं। एंड यहाँ पर हम रेड कलर का यूज़ करेंगे।
एंड यहाँ पर हमने लाइट कलर करना है, तो हमने थोड़ा ब्लू में थोड़ा व्हाइट मिक्स किया हुआ है। हमें बनने के बाद ये पूरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है, एंड हमें सबसे ज़्यादा क्यूट हमें डोरेमोन ही लगा। यस, डोरेमोन हो चुका हमारा कंप्लीट। यस, तो नीचे की साइड हम शूज में यहाँ पर इसी कलर का यूज़ करने वाले हैं जो हमने डोरेमोन में किया हुआ है। यहाँ पर हम रेड कलर का यूज़ करने वाले हैं, एंड यहाँ पर हम डार्क ब्लू कलर का यूज़ करेंगे जो कि हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर भी हम यही कलर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम पिंक कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा ऑरेंज में येलो मिक्स किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा बीच में गैप छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा दूसरा कलर करने वाले हैं। बट हमसे यहाँ पर थोड़ा कलर हो गया था, तो शायद आप देख ही रहेंगे, तो कोई बात नहीं, चलो इसको हम बाद में सही कर देंगे। एंड यहाँ पर हमने ब्लू कलर यूज़ करना है जो हमने डोरेमोन में किया था, बट हमने उसमें थोड़ा और ब्लू मिक्स किया हुआ है। यहाँ पर हमने वाइट में थोड़ा ही ब्लू को मिक्स किया हुआ है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर लाइट कलर करना था। यहाँ पर हम ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे जो कि हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। चलो तो अब यहाँ पर कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये मिस्टेक अब सही हो गई है। तो हमारा सभी कलर्स कंप्लीट हो चुका है। यस, उसके बाद हम ब्राउन बॉल पेन लेंगे। तो आप आउटलाइन के लिए इसमें ब्लैक बॉल पेन या जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। यस, तो हमने पहले सोचा था कि चलो वाटर कलर से आउटलाइन कर लेते हैं, बट हमें वाटर कलर से ये ज़्यादा पेन बेटर लगा, तो इसलिए हमने अपना पेन से ही पूरा आउटलाइन की हुई है। तो हमने सभी की आउटलाइन कर लेनी है।
तो ये हमारा कंप्लीट वर्क यस। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड ना जो चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।